आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश भर में भारत बंद का असर, SC ST संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। धर्मशाला युद्ध संग्रहालय के दौरे पर पहुंचे एयर वाइस मार्शल AK नाव। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में ठाकुर द्वारा के जवान अरविंद कुमार शहीद, कल होगा अंतिम संस्कार। 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा देने वाला उत्तरी भारत का पहला और देश का चौथा राज्य बना हिमाचल। सोलन के राजगढ़ रोड गोलीकांड प्रकरण में पुलिस को मिली कामयाबी, हरियाणा में दबोचे दो आरोपी। नाइजीरिया में बंधक बनाए गए हिमाचली युवकों को दो दिन में छुड़वाए सरकार, नहीं तो आंदोलन। शिमला की गरिमा के नाम मिस बेस्ट स्माइल का खिताब, धर्मशाला में मिस हिमाचल फाइनलिस्ट के लिए एक्सपर्ट क्लास। और अब समाचार विस्तार से। SC ST एक्ट में संशोधन के विरोध में सोमवार को शिमला, चंबा, पांटा साहिब, धर्मशाला, कुल्लू और ऊना में अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा भारत बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। शिमला में विरोध के चलते दोपहर तक बाजार बंद रहा। एकदम से ऊपर से आया ना, किसी को बोला ना, कुछ नहीं किया और एकदम से लड़बाजी करके सबका सामान फेंक दिया नीचे और सारी सब्जी बर्बाद कर दी। फ्रूट वालों का फ्रूट और सब्जी वालों की सब्जी। इस दौरान विभिन्न संगठनों के बैनर तले लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। मेरी सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम। और एक्ट में किए गए फेरबदल के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग उठाई गई। एक्ट को प्रभावहीन बनाने के विरोध में जहां लोगों ने जमकर नारेबाजी की। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके फैसले से जो दलित समाज को प्रहार हुआ है और उसमें जो अग्रिम जाम समाज का प्रावधान जो SC एक्ट के तहत नहीं था उसमें जो छूटें दी गई हैं उस तहत हमने ये एजिटेशन करने की सोची। वहीं गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने शिमला के पुराने बस अड्डे के पास चक्का जाम भी किया। एयरवाइज मार्शल AK नाव ने सोमवार को धर्मशाला युद्ध संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने युद्ध संग्रहालय संचालन समिति के सदस्यों के साथ आयोजित एक बैठक में संग्रहालय को अनूठा स्वरूप देने के लिए यहां वायुसेना से जुड़े दुर्लभ फोटोग्राफ्स, सैन्य साजो सामान एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने संग्रहालय में किए गए कार्यों की तारीफ की। पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा के सीमावर्ती पंजाब के गांव सरियाना के जवान अरविंद कुमार जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। रविवार देर शाम गांव की सरपंच और शहीद की चाची उषा देवी व चाचा राम स्वरूप को अरविंद कुमार के शहीद होने की सूचना मिली, जिससे पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। जवान की पार्थिव देह मंगलवार को पहुंचेगी और पैतृक गाँव के शमशान घाट में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला स्थित विधानसभा परिसर से 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा के तहत दो बाइकों को हरी झंडी दिखाई। हिमाचल प्रदेश इस सेवा को आरंभ करने वाला उत्तरी भारत का पहला और देश का चौथा राज्य बन गया है। यह सेवा GVK EMRI द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार पर आरंभ की गई है। यह सेवा पहले से ही क्रियाशील 108 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा की अनुपूरक सेवा होगी।
प्रथम चरण में यह सेवा शिमला शहर में कार्यान्वित की जाएगी और उसके पश्चात राज्य के अन्य भागों में इसे शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पूरे उत्तर भारत में पहला राज्य है जहां पर बाइक एम्बुलेंस की ये सुविधा की शुरुआत की गई। मैं बधाई देना चाहता हूं विभाग के मंत्री को, विभाग के अधिकारियों को कि एक बहुत जोरदार इनिशिएटिव, खास तौर से ऐसी परिस्थिति में जहां हमारे हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन है, सब जगह एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, जल्दी नहीं पहुंच पाती है, तुरंत जो है वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से एक बहुत ये अहम कदम साबित होगा। राजगढ़ रोड पर एक व्यापारी के घर में घुसकर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने हरियाणा से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आरोपियों की पहचान अमित कुमार निवासी रामपुरा मोहल्ला हिसार व मानू निवासी हरियाणा के तौर पर हुई है। मोहित चावला ने बताया कि दोनों आरोपी वारदात के दिन सुबह से ही शहर में आ गए थे व उन्होंने शहर का पूरा मुआयना किया था। सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपियों को पकड़ने में आसानी हुई। आज हमारी टीम को इसमें कामयाबी मिली जो हरियाणा में ऑपरेशनल थी विद द हेल्प ऑफ हरियाणा पुलिस। हम जो दो लड़के सीसीटीवी में फायर करते नजर आ रहे हैं उनको नैप करने में हम कामयाब रहे हैं। आज उनको अरेस्ट किया गया है और उनको अब हम माननीय न्यायालय के सामने पेश कर रहे हैं। ननखड़ी वन रेंज के तहत पूनन बीट के जंगल में रविवार दोपहर से आग लगने से सैकड़ों देवदार, कायल, रई के कई पेड़ जलकर राख हो गए। इस कारण लाखों की वन संपदा राख में तब्दील हो गई। आग की चपेट में एक भगवती माता का मंदिर भी आया पर अग्निशमन कर्मचारियों ने काबू पा लिया था। आग सोमवार को भी पूरी तरह काबू नहीं हो पाई। नाइजीरिया में बंधक बनाए गए युवकों के परिजनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि दो दिन के भीतर उनके बच्चों को ना छुड़ाया गया तो वे सड़कों पर उतर आएंगे। बंधक बनाए गए सुगनाड़ा के युवक सुशील धीमान तथा अन्य दो युवकों के परिजनों और संबंधित पंचायतों के लोगों ने तहसीलदार बालकृष्ण के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। साहब को दे रहे हैं, अगर सरकार ने इसके बारे में हफ्ते के अंदर अंदर कुछ नहीं किया तो हम इसका उग्र भी रूप धारण कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में देवभूमि के अग्रणी समाचार पत्र दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल 2018 का ताज जीतने को युवतियां ग्रूमिंग सेशन में दिन रात कड़ा अभ्यास कर रही हैं। ग्रूमिंग सेशन में ही मिस हिमाचल की टॉप 20 फाइनलिस्ट में सोमवार को मिस बेस्ट स्माइल सब टाइटल की प्रतियोगिता करवाई गई। मिस बेस्ट स्माइल का खिताब शिमला की गरिमा वर्मा ने अपने नाम किया। Today I got the title of Miss Beautiful Smile. I was seriously expecting this and thank you for the judges for giving me this title. Thank you so much. वहीं युवतियों को विशेष एक्सपर्ट क्लास का आयोजन भी करवाया गया जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सहित अन्य कई प्रकार के टिप्स प्रदान किए गए। मिस हिमाचल 2018 का ताज जीतने के लिए फाइनलिस्ट धर्मशाला के शीला में स्थित होटल दी ट्रांस में मॉडलिंग सहित बेस्ट बनने के लिए अभ्यास कर रही हैं। प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला की डॉक्टर श्रेया बख्शी ने युवतियों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टिप्स दिए। मिस हिमाचल की ग्रूमिंग एक्सपर्ट व प्रसिद्ध मॉडल आकांक्षा धीमान ने युवतियों को मॉडलिंग और वॉक के टिप्स दिए। और अब एक खास मुलाकात 2017 के एक्सीलेंस अवार्ड विनर विद्यानंद सरैक के साथ। लोक गायक संगीतकार विद्यानंद सरैक ने पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन किया। सिरमौर जिला के रहने वाले विद्यानंद सरैक ने महज 4 वर्ष की आयु में गाना शुरू कर दिया था। दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। वह प्रदेश से अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। सिरमौर जिला के देवठी मजगांव के रहने वाले विद्यानंद पिछले कई दशकों से लोक संगीत से जुड़े हुए हैं। उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी लोक संगीत में बेहतरीन कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। वह एक अच्छे लेखक व साहित्यकार भी हैं।
17 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें नवाजा गया है। विद्यानंद सराय का कहना है कि इस संगीत क्षेत्र से उनका रिश्ता बहुत पुराना है और आज भी वह इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि ये हिमाचल की लोक संस्कृति के लिए पुरस्कार मुझे मिला है। संगीत के क्षेत्र में, लोक संगीत के क्षेत्र में मैं 4 वर्ष का था जब मैंने मंच संभाला है। जब मैं 8वीं पढ़ता था तो मैं दिल्ली रेडियो से सुप्रो हाउस में डॉक्टर YS परमार और तत्कालीन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर केसर के सामने और उनके आशीर्वाद को लेकर के चला हूँ और हिमाचल प्रदेश और इंडिया रेडियो का मैं बिहाई आर्टिस्ट रहा हूँ और लेखन में मैंने हज़ारों पहाड़ी गीत है वो लिखे हैं, उनकी धुनें भी बनाई और बहुत से गीतों को लोगों ने, बड़े बड़े गायकों ने गाया है। इसके साथ में गाता भी रहा हूँ, नृत्य भी करता हूँ और साथ में अभिनय से भी रहा हूँ, लोक नाट्य से भी रहा हूँ। तो ये 17 जनवरी का दिन मेरे लिए नई हिमाचल प्रदेश के लिए सौभाग्यशाली रहा है कि मुझे लोक संगीत के क्षेत्र में ताम्रपत्र और 1,00,000 रुपये की राशि महामानी राष्ट्रपति जी ने प्रदान की है और इस आशीर्वाद से हमारा हिमाचल प्रदेश का जो लोक सांस्कृतिक जगत है वो गदगद है। मैं इस लोक संस्कृति के लिए निरंतर अब प्रयासरत हूँ और तब भी था, अब भी हूँ। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से जय ठाकुर के साथ विनीत कुमार की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल परिवार और हिमाचल की जनता फक्र महसूस करती है। इस बार वर्ष 2017 का एक्सीलेंस अवार्ड श्री विद्यानंद सरैक जी को दिया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिव्य हिमाचल बुलेटिन इज पावर्ड बाय हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काला अम्ब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। न्यूज बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है और अब चलते चलते मैदानों में गर्जन के साथ चलेंगी तेज हवाएं, 4 से 7 तक मौसम खराब। हमीरपुर में DC दफ्तर के बाहर ठेका प्रथा के खिलाफ C2 का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री का ऐलान, लोन लेकर ही चलेगी हिमाचल सरकार। हिमाचली तड़का में आज आपको लेकर चलते हैं रोहडू और सुनते हैं नरेंद्र रंजन की आवाज में ये लोकगीत। बाजी जान दो बाणोले मामा, बाजी जान दो बाणोले मेरे मामा रोंजिया मामा, बाजी जान दो बाणोले। खेल रे जानो ले मेरे मामा रोंजिया मामा, हेड़े खेल रे जानो ले आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।